नमस्कार बच्चों, मैं हूं आपकी दोस्त फूल कुमारी। आज हम सब लोग एक कहानी सुनेंगे जिसका शीर्षक है सच्चे मित्र की पहचान। ये कहानी सुनेंगे दीदी, इस कहानी में कौन कौन है? ये कहानी है दो दोस्तों की। अरे वाह, जल्दी सुनाओ दीदी, मुझे कहानियाँ सुनना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है तो सुनो। बहुत पुरानी बात है, एक गांव में राजू नाम का एक लड़का रहता था। उसका एक दोस्त था जिसका नाम था काजू। राजू काजू हर काम साथ में करते थे। एक बार दोनों को पास के गांव जाना था। रास्ते में एक घना जंगल पड़ता था। दोनों सवेरे सवेरे निकल पड़े। उस जंगल में कई जंगली जानवर थे जिनकी खूंखार आवाजों से राजू और काजू को बहुत डर लग रहा था। दोनों जल्दी जल्दी कदम बढ़ाकर जंगल पार करने की कोशिश कर रहे थे, पर कुछ देर में उन्हें एक भालू की आवाज अपनी ओर आती सुनाई दी। दोनों डर गए। आवाज धीरे धीरे तेज हो रही थी। राजू बोला, लगता है कोई बड़ा सा भालू हमारी तरफ ही आ रहा है, कितनी डरावनी आवाज है। तो काजू बोला, चलो मित्र यहाँ से भागे, आवाज तेजी से बढ़ रही है। राजू बोला, मित्र भागते भागते तो भालू हमें पकड़ ही लेगा, मैंने सुना है भालू पेड़ पर नहीं चढ़ सकते। बस इतना कहना था कि काजू सरपट पेड़ पर चढ़ गया। राजू बोला, मित्र मुझे अकेला छोड़कर कहाँ चले गए, मुझे पेड़ पर चढ़ना नहीं आता, मेरी मदद करो, मुझे भी अपने साथ पेड़ पर चढ़ा लो। काजू बोला, मुझे माफ करना मित्र, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं वापस नीचे नहीं आ पाऊंगा। और भालू की आवाज धीरे धीरे और तेज हुई और कुछ ही देर में भालू दिखने लगा, बड़े बड़े दांत वाला डरावना भालू। दीदी फिर क्या भालू ने राजू को खा लिया? नहीं नहीं, राजू ने सुन रखा था कि भालू मरे हुए लोगों का शिकार नहीं करता, इसलिए वह सांस रोककर वहीं जमीन पर लेट गया जैसे कि वो मर चुका हो। फिर भालू उसके पास गया और उसने उसे सूंघा, उसके आसपास चक्कर लगाने लगा, पर राजू जरा भी न हिला और सांस रोककर मुर्दे की तरह वहीं लेटा रहा। शरीर में कोई हरकत न देखकर और रुकी हुई सांस जानकर भालू ने उसे मृत समझ लिया और हुंकारता हुआ वहां से चला गया। वाह, राजू तो बच गया। हाँ, फिर भालू के जाने के कुछ देर बाद राजू उठा और काजू भी पेड़ से नीचे आ गया। काजू ने राजू से कहा, राजू तुम तो बच गए, चलो अब आगे सफर करें और जंगल से जल्दी निकलें। परंतु ये तो बताओ कि भालू बार बार तुम्हारे आसपास आकर तुम्हारे कान में क्या फुसफुसा रहा था? राजू बोला, मित्र काजू, भालू ने मुझसे कहा कि स्वार्थी मित्रों पर कभी भरोसा न करना। काजू बोला, ऐसी बात नहीं है मित्र, मैं बहुत डर गया था। इस पर राजू ने कहा, जो मुसीबत में मेरा साथ न दे वो भला कैसा मित्र, मैंने तुम्हें पेड़ पर चढ़ने की युक्ति सुझाई, तुम चाहते तो मुझे भी अपने साथ ऊपर चढ़ा सकते थे, पर तुमने सिर्फ अपने बारे में ही सोचा और मुझे मरने के लिए नीचे छोड़ दिया, अब आगे का सफर तुम अकेले ही तय करना। यह कहकर राजू वहां से चला गया और काजू ने अपना एक सच्चा मित्र हमेशा के लिए खो दिया। बिल्कुल ठीक किया राजू ने, सच्चे मित्र की पहचान सचमुच मुसीबत के समय ही होती है। हाँ, इसलिए हमें सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, परंतु मित्रता सोच परख कर ही करनी चाहिए और स्वार्थी लोगों से दूर ही रहना चाहिए। तो आप कैसा बनना चाहेंगे, राजू जैसा या काजू जैसा? मैं तो राजू जैसा ही बनना चाहूँगा, जब तक बन पड़े सदा अपने मित्र की सहायता करूँगा और सोच समझ कर ही किसी से मित्रता करूँगा। बहुत बढ़िया, आज की कहानी में बस इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे। जय माँ भारती। जय माँ भारती।